एपिसोड के शुरुआत में लिन और सुमिन टारगेट को ढूंढ रहे होते हैं। एक बंदा सुमिन को टारगेट कर खड़ा होता है। लिन उसे बचाने के चक्कर में खुद भी आउट हो जाता है, सुमिन को भी आउट करवा देता है। इस बात पर सुमिन उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। लिन उसे सॉरी बोलकर कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, और ऐसे ही उसे अपने दिल का हाल बताने लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी किसी मुसीबत में फंसो, और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना एक भी मिनट नहीं रह सकता, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इस बात से सुकी तो भड़क जाती है और बिना कहे कुछ जाने लगती है, लेकिन फिर वापस मुड़कर उसे कहती है मैं तुम्हें आंसर जरूर दूंगी, लेकिन तब जब जियांग जुकी पर गिव अप कर देगा। इधर जियांग भी जुकी के साथ मिलकर टारगेट को ढूंढ रहा होता है और जुकी को कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। इनकी ऑपरेट टीम भी टारगेट को ही ढूंढ रही होती है और जुकी एक बंदे को अपनी गोली से आउट कर देती है, लेकिन जैसे जियांग दूसरे बंदे पर निशाना लगाने लगता है तो वो बंदा जियांग को आउट कर देता है। जुकी उस बंदे को भी आउट कर देती है, लेकिन तीसरा बंदा जुकी को ही आउट कर देता है, और इस तरह से दोनों ही टीमों को एक एक बंदा बचता है। जियांग की टीम में अकेला चैन ही बचता है, लेकिन चैन तो बेचारा डरा डरा सा जमीन में चल रहा होता है, कभी दीवार से टकराता है, कभी किसी और चीज से, और फिर पता नहीं इसमें कहां से हिम्मत आती है कि देर दिनों गोलियां चलाता ही रहता है। बहुत सी लाइफ भी यूज करता है, लेकिन फिर भी बंदे को मार ही देता है और जाकर फ्लैग को पकड़ कर अपनी टीम को जिता देता है। इतना ज्यादा खुश होता है बंदा कि क्या ही कहें, घर आकर वे फ्लैग को लेकर बैठा होता है। जियांग और जुकी भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है बंदा। अपने रूम में जियांग जाकर अपनी आज की सारी फीलिंग जो कि सुजुकी के साथ रहकर आई होती है उसे सॉन्ग में बदलने के लिए लगा होता है, और सुमिन और लिन तो मस्त उन दोनों को अलग करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम उन दोनों को कैसे अलग करेंगे। तो लिन सुमिन को कहता है कि अपना वादा याद रखना, तो सुमिन उसे कहते हैं कि हाँ मुझे अपना वादा याद है, तुम टेंशन मत लो, बस तुम उन दोनों को अलग करने में मेरी हेल्प करो, हमें उन दोनों को बिल्कुल भी एक नहीं होने देना। घर के अंदर आकर लिन जियांग की तरफ से भेजा हुआ मैसेज बार बार सुन रहा होता है, जिसमें जियांग ने उसे कहा होता है कि मैंने लव सॉन्ग लिख लिया है। इस बात से लिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे इसी चीज का तो इंतजार था कि जियांग का भी एक अच्छा सा सॉन्ग लिखेगा। जियांग सुकी को स्कूल के पियानो रूम में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा सा म्यूजिक बजाता है। सुकी जियांग के साथ पियानो एंजॉय कर ही रही होती है कि तब भी उसकी नजर रूम में कोने पर पड़ती है। जब सुकी वहाँ पर जाकर देखती है, वहाँ पर रात वाली लड़की की होती है। जियांग और सुकी उससे जाकर पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि मैं ऑडिशन में फेल हो गई हूँ, लेकिन इसका जिम्मेवार मुझे मेरी मॉम ने ठहराया है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो, उनके गुस्से से बचने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन उसकी बात सुनकर सुकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि कैसी माँ है वो। सुबह होते ही जियांग और सुकी उसकी मॉम को मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा अजीब सी बातें कर रही होती है। उनकी बातों से लग रहा होता है कि वैसे अपनी मर्जी की पर ठोक रही है, बल्कि उसकी कोई भी मर्जी नहीं पूछ रही होती। वह कहती है कि मैं अपनी बेटी को बहुत ही बड़ी स्टार बनाना चाहती हूँ। सुकी उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वह कहती है कि मेरी बेटी कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, वह फ्यूचर में बहुत ही बड़ी स्टार बनेगी। जियांग भी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है कि मॉम जियांग की राय मांगती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि इंडस्ट्री कितनी अच्छी है। तो जियांग आखिर में बोल ही पड़ता है मैं की मॉम से सहमत हूँ, वह जो कह रही है बिल्कुल ही ठीक कह रही है, की एक आर्ट की स्टूडेंट है तो उसे हक है कि वो ऐसे ऑडिशन दे। लेकिन वह उन्हें कहता है कि जिस कंपनी में आपने अपनी बेटी का ऑडिशन दिया था वो बिल्कुल भी सही कंपनी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ उसका टैलेंट वेस्ट ही होता। फिर वे कहते हैं कि तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता। तो जियांग कहता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। फिर उन्हें कुछ न्यू स्टार की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होती और कहता है कि आप की को इस कंपनी में लेकर जाइए, यह मेरी दोस्त वीली की कंपनी है। की मॉम के जाने के बाद जुकी जियांग को डांटने लगती है कि तुमने उनका साथ क्यों दिया। तो जियांग उसे कहता है कि तुमने देखा नहीं वो कैसे बातें कर रही थी, वो हमारी बात मानने वाली है, तो बेहतर इसी में है कि वह उसे किसी और कंपनी में लेकर जाए, तो इससे अच्छा है कि वह वीली की कंपनी में उसे लेकर जाए, कम से कम एक अच्छी कंपनी तो है। वीली जियांग को मिलने के लिए क्लब में आते उसे आकर बहुत ही ज्यादा गालियां देती है, उसे कहती है कि तुमने आज कैसे क्लाइंट को मेरे पास भेजा था, और फिर उसे आज की सारी बात बताने लगती है कि कैसे उसकी मॉम ने हमें बहुत ही ज्यादा तंग किया, वो सभी लोगों को ऐसे काम पर लगा रही थी कि जैसे वह वहीं की मालकिन हो, अपनी बेटी को तो परेशान कर ही रही थी कि साथ साथ बहुत ही ज्यादा जोर से बोलकर सभी लोगों को भी बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। डायरेक्टर भी उसकी इन हरकतों से तंग आ गया था और गुस्से में उसे बहुत ही जोर से सबके सामने बोला, जिस वजह से उसकी बेटी एम्बेसमेंट की मारी वहाँ से चली ही गई। जियांग वीली की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है, तो वीली उसे पूछते है कि तुमने सुकी को रिक्वेस्ट कर दिया है। जियांग नाम में सिर हिलाता है, तो सुकी इस बात से गुस्सा होकर कहती है कि तुम अभी कितना ज्यादा टाइम लोगे, इस जन्म में कह भी पाओगे या फिर नहीं, अगले जन्म में ही तुमसे बोला जाएगा। उसकी ये बातें सुनकर जियांग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प
जाए तो वीली कहती है कोई बात नहीं, जैसी भी हेल्प हो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। जियांग और जुकी बच्चों को वीली के द्वारा तैयार करी हुई जगह पर लेकर आते हैं घुमाने के लिए, लेकिन एक कार उन दोनों को कहीं और ही जगह पर छोड़ आती है जहाँ पर वह दोनों अकेले ही होते हैं, बच्चे उसके साथ नहीं होते। वहीं पर एक बंदा आकर उन दोनों को एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आप दोनों इस रूम में स्टे करोगे, मुझे वीली ने आप दोनों का ख्याल रखने के लिए कहा है। जियांग और जुकी उन्हें कहते हैं कि हमें वापस नीचे जा बच्चों के पास जाना है, तो वो बंदा उसे कहता है कि वह गाड़ी तो सुबह ही आएगी, तो आप दोनों सुबह ही यहाँ पर जा सकोगे। दूसरी तरफ बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, भागकर वीली के पास आते हैं जहाँ पर वीली उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी डिश रखी होती है। वीली उन्हें एंजॉय करने के लिए कहती है, लेकिन तभी जैसी वीली से आकर पूछती है कि टीचर जियांग और जुकी यहाँ पर क्यों नहीं आए, तो वीली उन्हें समझाती है कि बच्चों वे दोनों को अपना भी कुछ प्राइवेट मोमेंट एंजॉय करने दो जो कि उनकी लाइफ के साथ रिलेटेड है, तुम सब लोग सिर्फ एंजॉय करो। बच्चे तो अपना मस्त एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन जियांग और जुकी बेचारे पैदल ही चलकर माउंटेन से नीचे आ रहे होते हैं। जियांग वीली को मैसेज करने की कोशिश कर रहा होता है, तो जुकी उसे कहते है कि तुम पागल हो गए, यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहे। ऐसे जुकी का पैर फिसलने लगता है तो जियांग उसे पकड़ लेता है और जुकी का हाथ पकड़ कर ही चलने लगता है। रात में दो बच्चे अपना डांस दिखा रहे होते हैं जिसे सारी क्लास बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, लेकिन फिर सभी डांस कर एंजॉय करने लगते हैं। बाद में जैजी माइक लेकर गाना गाने लगती है तो सभी उसके दोस्त उसे गाना गाते हुए देख लेते हैं, उसके पास जाकर गाना गाने लगते हैं ताकि जैजी को एम्बैरेसमेंट फील ना हो, क्योंकि हम सबको पता ही है कि जैजी कितना बुरा गाती है। लेकिन दूसरे बच्चे जैजी के ऊपर ध्यान नहीं देते और अपना काम करने लगते हैं। इधर जियांग और जुकी अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आ रहे होते हैं, लेकिन जियांग इस बार मौके पर चौका मारते हुए जुकी को अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो जुकी हाँ में सिर हिलाते हैं। इस बात से जियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जुकी के करीब जाकर उसे किस कर देता है और फाइनली ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन ही जाते हैं। अपनी किस विश करने के बाद वे दोनों ही बच्चों के पास पहुँचते हैं जहाँ पर जुकी बच्चों को गिनने लगती है, लेकिन जियांग वीली को साइड में लेकर चला जाता है। वीली को गुस्से से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बच्चों की सेफ्टी को इतने ज्यादा खतरे में क्यों डाला, लेकिन वीली जुकी के पीछे जाकर छुप जाती है और जुकी को कहते है कि तुम जियांग से कहो ना कि मुझे माफ कर दे, लेकिन जियांग जुकी की बात बहुत ही ज्यादा स्माइल कर मान जाता है। जुकी भी स्माइल करने लगती है तो वीली समझ जाती है कि इन दोनों में फाइनली ने अपनी फीलिंग एक दूसरे को बता ही दी है। घर आकर जियांग तो जुकी का हाथ ही नहीं छोड़ रहा होता, जुकी उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि अब तो हम दोनों घर आ गए हैं और मेरा हाथ छोड़ दो। तभी पता नहीं जियांग के मन में क्या आता है कि वो जुकी को अपनी तरफ करके बहुत ही ज्यादा रोमांटिक वे में उसे किस करता है। इधर सुमित जियांग के द्वारा की हुई पोस्ट को देख दिया जिसे देख उसे समझ आ जाता है कि जियांग और जुकी रिलेशनशिप में आ गए हैं। लिन को भी ये बात पता चल जाती है, दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। सुबह सुबह सुमित लिन के लिए अपना ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आते हैं, उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि रात को क्या हुआ था, थोड़ी इंडायरेक्ट वे से कहती है कि तुम जियांग के असिस्टेंट हो तो तुम्हें उसके बारे में थोड़ी सी तो नॉलेज रखनी चाहिए, और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन लिन को समझ आ जाता है कि वह जियांग और जुकी के रिलेशन के बारे में बात कर रही थी। जियांग लिन के घर पे आकर उसे सारी बात बताता है कि मैंने जुकी को अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी है, कहता है कि मैंने ये तुम्हारी हेल्प के बिना ही किया है। तो लिन उसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, जियांग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं एक सिंगर हूँ, मुझे पता है इसी वजह से मैं सॉन्ग लिखता हूँ। तो लिन उसे कहता है कि तुम एक इंटरटेनर हो और इंटरटेनर ऐसे ही किसी के साथ इतनी ज्यादा जल्दी घुल मिल नहीं सकता। ये बात सुनकर जियांग एक मिनट में समझ जाता है कि लिन ने उसे पहले इसी वजह से गलत आइडिया दिए थे ताकि जियांग जुकी को अपनी फीलिंग ना बता पाए। लिन उससे माफी मांगता, उसे कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो जियांग उसे गुस्सा होकर कहता है कि कैसा रिस्क, मेरी कोई ज्यादा फीलिंग नहीं है, इतने सालों में पहली बार किसी के साथ लव अफेयर में आया हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपने प्यार को छोड़ दूं, और कहता है कि मैं अपने स्कूल में ही खुश हूँ, और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जियांग के जाने के बाद लिन मुंह बनाकर बैठ जाता और कहता है कि तुमने तो जुकी को अपनी फीलिंग बता दी, लेकिन मैं सुमित को कैसे कन्फेस करूँ, वो तो जिद पकड़ कर बैठी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।